इनसे पूछेंगे आज के uh, कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया फिर पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर तरीके से जवाब देकर रिटेलिएट किया लेकिन अब दोनों मुल्कों के पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर यह फैसला किया है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी तलक सफारती ताल्ल को बहाल किया जाए इसके अलावा जब हम बात करते हैं बानी पी टी आई मिस्टर इमरान खान की तो उन्होंने कहा है कि मैं एक सियासी आदमी हूँ और उन्नीस माह से मुकर के लिए तैयार हूँ मुझसे बात करो जी हाँ इमरान खान ने कहा है मेरे ख्याल से वो मुजाकर करने के लिए तैयार है इसके हवाले से बात करेंगे फिर हम जब बात करते हैं गज़ा की तो बहुत अफसोसनाक की बाकी है फ़लस्तान के मज़ीद तेस्त फ़लस्तनी शहीद हो गए इसराइली फ़ौज ने गज़ा की एक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की है हमला किए और उस यूनिवर्सिटी की इमारत तबाह कर दी मजीद तरीसत फ़लस्तीनी भी शहीद हुए हैं इसके साथ फिर जब हम बात करते हैं इलेक्शन ड्यूटी की पंजाब पुलिस इलेक्शन ड्यूटी के लिए इतने ज़्यादा फंड्स मांग रही है इतने ज़्यादा से मुराद एक अरब उन्नीस करोड़ मांग रही है कैन यू गाइज इमेजिन कि इतने फंड्स इन्होंने इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्या करने हैं यूज़ करेंगे भी कि नहीं क्या क्रेडिबिलिटी है क्या ट्रांसपेरेंसी है क्या अकाउंटेबिलिटी होगी इन दी एंड लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी सारे इश्यूज की जो कि सोशल इश्यूज हैं इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उस पर तो ध्यान नहीं जाता आप लोगों का इलेक्शन ड्यूटी के लिए आप लोग इतने फ़ंड्स मांग रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किडनेपिंग केसेस की बच्चों के अगवा होने वाले वाकियात की बच्चों के अगवा में इतना इजाफा हो रहा है जिनसी दरिंदगी में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है उस पर कोई नोटिस ले रहे हैं उस पर कोई आप लोग उस चीज़ को कोई हाईलाइट कर रहे हैं उस पर कोई इकदाम उठा रहे हैं कि नहीं इसके बारे में बात करूँगी सर मुझे बताएँ बात करते हैं शुरुआत करते हैं ईरान से बिस्मान ये बहुत खुश आयद है दोनों मुल्क इस्लामी मुल्क जी मुल्क बहुत जल्द इन्हें इस बात का एहसास हुआ और जो सालिश हैं उनका किरदार भी बड़ा मुसासन है और दोनों मुल्कों ने इस जरूरत को महसूस किया इधर किया कि हमें जो भी कोई मुतनाज़ अमूर हैं मिल बैठ कर मेज़ पर बातचीत से हल करने चाहिए और दोनों आ, सब जो वज्र खारजा का आपस में रबता हुआ है सफारती ताल्लब बहाल हो गए हैं इससे यक़ीन जो पाकिस्तान की फ़ाइ है पाकिस्तान की एयरलाइन है पी आई है जी। उसके लिए भी आसानी होगी चूँकि खासी मुश्किल का सामना खा, उनका रूट चेंज हो गया था जी। और लेकिन इसमें से एक पहलू मैं ज़रूर अर्ज करूँगा बड़े बोझल दिल के साथ कि हासिल क्या हुआ अगर यही करना था इंडिया बैठ कर आप पहले बातचीत करते तो इसमें जो पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चे मैं देख रहा था जो इस मिसाइल हमले से शहीद हुए वो तो वापस नहीं आएंगे कीमती जानों का ज़या मासूम जानों का ज़या और अगर कम से कम वो आईने के सामने खड़े होकर तो कम से कम अल्लाह की बारगाह में ज़रूर अपने आप को शर्मसार भी करें और निदामत का इज़हार करें अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब कर लें अगर पाकिस्तान से माफ़ी तलब नहीं कर सकते तो ये रोज़ा रोज़ामेश तो उसका हिसाब होगा जो नाक खून बहता है आपकी ज़िद और अना की वजह से मतलब आप लोग टेस्टिंग कर रहे थे मतलब एक जान भी कितनी इम्पोर्टेंट जी ये क्या था तो आप पहली बात है इस्लामी मुल्कों को ये जेब बिता नहीं कि आपस में उलझें मैं छोटा सा आज पढ़ा था एक तंजिया मैसेज है उसमें एक सबक है कि एक हॉकी मैच हो रहा है और भारतीय टीम का एक सिख खिलाड़ी जो है उसने अपनी टीम को तीन गोल कर दिया तो साथी खिलाड़ी ने कहा कि रजिंदर सिंह उधर गोल करने हैं कहता वो करने नहीं देते तो अब असल जो हमारे मिज़ाइल हैं उनका रुख होना चाहिए था इसराइल की तरफ लेकिन बदकस्मती है कि हम आपस में उलझ जाते हैं और अपनी ये ताकत का राउनत का मुजारा एक दूसरे के साथ करते हैं और हमारा दुश्मन जश्न मनाता है जब हमारे प्यारों की शातें होती हैं कहीं भी जो मुसलमान शहीद होते हैं ना हक मारे जाते हैं और हमारे यहाँ सफ़े मातम बिछती है हमारे दिल बुझ जाते हैं हम अफसुदा होते हैं रंजीदा होते हैं तो दुश्मन जश्न मनाता है ख़ास तौर पर इसराइल के अंदर जो यहूदी हैं उनकी तरबियत ही ये की जाती है कि उनकी गुटी में शामिल किया जाता है इस्लाम से और मुसलमानों से नफरत ये जो इंतहा पसंदी है उनके अंदर ये उनको एक तरह से बलदीत की जाती है तलीम दी जाती है उनकी घुटी में उनके डी एन ए में शामिल होता है कि जब वो बड़े हों तो जहाँ भी कहीं हों वो इस्लाम से और मुसलमानों से इंतहाई नफरत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान और जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो मिल बैठें आपस में इतहाद करें इतफाक़ करें और मैं एक और बात अर्ज़ करूँ ये बड़ा ऐसा ऐसा मैं जुमलास कर रहा हूँ जब आपने ज़िंदगी में बार बार सुना होगा कहा जाता है कि जब कोई आपको एक थप्पड़ रसीद करे तो ये उसकी ग़लती है लेकिन अगर वो दूसरा थप्पड़ भी रसीद कर दे तो फिर ये आपकी ग़लती है कि आपने रोका क्यों नहीं मैं समझता हूँ जब इसराइल ने पहली जारियत की जारी तो खैर मैं समझता हूँ सात दहाइयों से कर रहा है तो पहली दूसरी तीसरी जारियत पर मुसलमानों का रद्दमल आना चाहिए था वो जो एक बरबरीत और शफाकियत है एक शैतानियत है इसराइल की उसको रोकना हर मुसलमान पर फर्ज है चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान है हुक्मरान है चाहे ईरान का इराक़ का कहीं भी तो जब हम उस जारियत को नहीं रोकेंगे तो हम हमारी गलती है फिर इसराइल ने जो बरबियत करनी थी उसने कर दी लेकिन अगर हम उस जारियत का को काउंटर नहीं करते एज़ ए मुसलमान चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया है और जो अल्लाह के नबी रसूल ला की हदीस रीफ है कि मुसलमान एक जिसम की मानंद हैं जब किसी एक जिसम के हिस्से को दर्द पहुँचता है तकलीफ होती है तो पूरा जिसम उसको महसूस करता है तो ये खुश आइंद है कि दोनों इस्लामी मुल्क ब्रदर इस्लामी मुल्क हमसाया मुल्क फिर मिल बैठे हैं और सफारती तल्ल बहाल हो गए हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो ग़लती हुई है ईरान से ये नहीं दोहराई जाएगी मुस्तबिल में और दोनों मुल्क इससे सीखेंगे और अपनी असलाह करेंगे और जहाँ तक बात यह है कि इस्लाम ने हर चीज़ के जो पैरामीटर्स और रहनुमाई वजा कर दी है कुरान मजीद के अंदर कि पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं और मुसलमानों का मुसलमानों पर क्या हक़ है तो हमें हमेशा रहनमाई लेनी चाहिए कुरान मजीद से और अल्लाह ताली के नबी ने हमेशा हमें ये दर्श दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो तो दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं ये हदीस उन सब के लिए है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो जब हम अल्लाह की रस्सी का मतलब है अल्लाह का जो पैगाम है अल्लाह की फहदानियत है अल्लाह और देखें दुख की बात यह है कि जो मुख्तफ़ नबियों के पैरोकार हैं हज़रत मूसा आई इसम के पैरोकार हैं हज़रत ईसा के पैरोकार हैं वो मुतहद हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ और जो एक अल्लाह और एक नबी को मानने वाले हैं वो उस तरह मत नहीं हैं जिस तरह होना चाहिए और एक सौ से ज़ायद दिन हो गए हैं मैं समझता हूँ कि आप कोई ऐसी मुझे कम अज़ कम संजीदा कोशिश नज़र नहीं आई इस्लामी मुल्कों की तरफ से चाहे वो तुर्किया है चाहे पाकिस्तान है चाहे ईरान है या जितने भी काबिल ज़िक्र इस्लामी मुल्क हैं ख़तौर पर सऊदी भी है क़तर है सिफ़ारती महाज पर जिस तरह भाग दौड़ होनी चाहिए थी जिस तरह एक दबाव का माहौल नज़र आना चाहिए था जिस तरह एक कर्ब नज़र आना चाहिए था इस्लामी मुल्कों को इस्लामी मुसलमान हुक्मरानों को वो कर्ब नज़र नहीं आया वो आ, उनको जो हमारे यहाँ अब तो कुछ बात छुपी रहती नहीं है आप पूरी दुनिया में जो भी वाक़ होता है फ़ौर से पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता है कि कहाँ क्या हादसा हुआ है कहाँ क्या सानिया हुआ है कहाँ कोई हादसा या कत्लेम हो रहा है तो रोज़ाना की बुनियाद पर जिस बहीमाना अंदाज़ से शेर बच्चों को फ़लस्तीनी को शहीद किया जा रहा है और जो आपने अभी फरमाया कि अलशफ़ा हस्पाल को और वहाँ एक अल्श्रा यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया है और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी दिनों से इन्होंने बनाया हुआ था एक अकूबत खाना इसराइली फ़ौजियों ने इस यूनिवर्सिटी को इस पर कब्ज़ा करके इसको एक अकूबत खाना बनाया हुआ था वहाँ ये जो फ़लस्तनी इनकी हिरासत में आते थे उनको गिरफ़्तार ये करते थे तो वहाँ पर रख कर उनको बहुत ज़्यादा अजियत देते थे और बिल आखिर इन्होंने वो एक खास मंसूबा के तहत उसको उड़ा दिया है बम से और मकसद ये है उनका ये टारगेट है कि ना इनके पास सेहत हो ना तालीम हो आज मैं यूनिसेफ़ की रिपोर्ट पढ़ा था कि इस दौरान जब से ये जंग शुरू हुई है हालिया जंग जो जारी है कमेश तीन माह से तो बीस हज़ार बच्चे पैदा हुए हैं इस गज़ा के अंदर फलस के अंदर और जो सबसे बड़ा अलमिया है कि वहाँ पर गजाई किल्लत पैदा हो गई है जो नोजादा बच्चे हैं उन्हें ना प्रॉपर ज़ाहिर माऊ का दूध मयसर है ना जो दूसरी गज़ाइ से भरपूर जो चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए नागजीर वो मैसर हैं तो ये एक खामोश कतल आम भी जारी है एक तरफ इसराइल बारूस से शहीद कर रहा है फ़लस्तीनी को दूसरी तरह तरफ जो भू भूख है भूख एक अपना फन फैलाए अपना एक जाल बिछाए निगल रही है फ़लस्तनीों को तो मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि मुझे लगता है कि सारी दुनिया हम सब मुर्दा हैं और अगर कोई ज़िंदा है तो वो फलस्तनी है जो जम शहादत नोश कर रहे हैं अगर कोई दुनिया में निडार कौम है तो वो फलस्तनी है जो अल्लाह की राम है अल्लाह की वहदानियत के हवाले से वहाँ पे मस्जिद अक्सा है उसकी हिफाजत के लिए और दीन की सरबलंदी के लिए अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी एक खुददारी की हिफाजत के लिए और वहाँ पे बरसरे पेकार हैं नहतें हैं लेकिन अपनी सरज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं दूसरा मैंने कल भी यज किया था अगर कोई वैसे तो वो जो मैंने देखा है आपने भी देखा होगा कि वहाँ जो बच्चे जिनको अल्लाह ने ज़ुबान दी है जो बोल सकते हैं छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चे वो उनका अज़म को हमालिया से ज़्यादा बुलंद है उनके इरादे चट्टानों से ज़्यादा मज़बूत हैं वो कहते हैं हम अपनी सरजमीन क्यों छोड़ें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप हमारी मदद ना करें हमें आपकी हमें ज़िंदगी की ज़िंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है हम जाम शहादत नोश कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा इधराक है कि असल ज़िंदगी क्या है अबदी ज़िंदगी क्या है कामयाबी क्या है आज़ादी क्या है ये ये जो ज़िंदगी है ये तो क्या खाना है और शायद हमारे दीन ने बार बार इसीलिए क्या है कि दुनिया से मोहब्बत ना करो और ये दुनिया जिस तरह की बदसूरत दुनिया सामने आ रही है कि इंसानियत तो यह है कि एक इंसान का जो दर्द है दूसरा इंसान महसूस करें जैसे हजरत अली रज़ी तुन ने कहा कि जानवर जो है उस पर इंसान में ये फ़र्क़ है कि इंसान दूसरे इंसान का दर्द को महसूस करता है उस पर रिएक्ट करता है और दर्द बाँटता है तो अगर ये दुनिया ये इंसानियत का जो तस्वर है कि एक जा के अंदर रोज़ाना वहाँ पर क़्यामत बरपा होती है और हम सब उसी तरह जी रहे हैं मैं भी शामिल हूँ आप भी शामिल हैं हम सब शामिल हैं हम खुशियाँ मना रहे हैं हम आ, म कर रहे हैं हम पुरसकून नींद सो जाते हैं फिर उठते हैं फिर हम लाशें गिनते हैं जी। और उन पर हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं तो ये जो फ़िक्रेबाजी है लफाजी है ये कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं बहुत बड़ा मुजरम हूँ चूँकि मैं यहाँ आपके सामने बैठ कर एक लफाजी इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मैं मेरे हाथ में भी अल्लाह ने क़लम दिया तो मेरे हाथ में भी जो जो एक तलवार होनी चाहिए एक बंदूक होनी चाहिए मैं अपने उन गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत के लिए मुझे भी मैदान में, में उतरना चाहिए लेकिन फिर यह भी एहसास होता है कि चलें कम अज़ कम अल्लाह हमें ये एक मोहलत दी है या एक कवत दी है कि हम अपनी ज़ुबान से अपने अल्फाज से ग़लत को ग़लत कहते हैं बरबियत को बरबियत कहते हैं और जो हक पर हैं उनके साथ हम खड़े हैं उनके लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम गुँगे नहीं हैं बहरे नहीं हैं खामोश नहीं हैं और जो माशरे खामोश हो जाते हैं तो वो क़ब्रसान बन जाते हैं जिस तरह हम शहर खामोशा हमारे यहाँ कब्रस्तान को नाम दिया जाता है तो जो मुआरे चुप हो जाते हैं जो आवाज़ नहीं बुलंद करते तो वो कब्रस्तानों से बदतर हैं तो एटलीस्ट हमें एज ए मुसलमान आज हर बंदा सोशल मीडिया पर एक अपना इन्फ्लेंस रखता है उसे वॉइस रेज़ करनी चाहिए जहाँ जहाँ उसकी वसात है ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ मुसलमान जो यूरोपी मुसलमानों में मुकीम हैं वो एक जॉइंट एफर्ट uh, करें प्रोटेस्ट करें और फलस्तनी शहदा की फलस्तनी नौजायदा बच्चों की ज़ख़्मियों की जो बड़े बड़े हौलनाक उनकी तस्वीर हैं उन कौमों को झंझोड़ें और अपना एक किरदार अदा करें अच्छा सर आफ्टर ऑल फाइनली जो बानी पी टी मिस्टर इमरान खान है उन्होंने कहा है कि मैं सियासी आदमी हूँ और उन्हें माह से मुकर के लिए तैयार हूँ मेरी मेरी आवाज़ सुने या मुझसे बात करो तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो मुकर के लिए तैयार हैं एक बहलूल दाना का मुझे वाकई याद आ रहा है कि वो बहलूल दाना किसी बाजार में खड़े थे तो किसी ने पूछा कि यहाँ पे क्या करें आप तो उन्होंने कहा कि मैं बंदों की और ला की सुलह करवा रहा हूँ अल्लाह ताला तो मानता है बंदे नहीं मानते तो कुछ अरसे बाद फिर बहलुल राना कब्रस्तान के पास बैठे हुए थे और उस वही शख्स वहाँ से गुज़रा उन्होंने पूछा कि बैलूल आप आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि मैं बंदों की और अल्लाह तला की सुलह करवा रहा हूँ अब बंदे तो मानते हैं लेकिन अब रब नहीं मानता तो बात यह है कि ये, ये इमरान ख़ान ने आज उनम खुल कर ये बात की है और मुझे याद है कि मुजाकरत की बात पहले भी चली थी और पहली बात तो यह है कि आपको इतनी इंतहा तक नहीं जाना चाहिए सियासत जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं आप आउट हो जाते हैं और भले एम्पायर ने आपको गलत आउट दिया हो लेकिन आपको एटलीस्ट क्रीज छोड़नी पड़ती है जी। आपको पता होता है कि मैं फिर दूसरी इनिंग्स में आ जाऊंगा मुझे बारी फिर मिलेगी मैं फिर अच्छा खेलूंगा तो आपको थोड़ी देर की मान भी लिया जाए जो उनका बयानिया था कि एक आपके हवाले से आपको निकाला गया तो आप खिलाड़ी हैं आप दोबारा आ सकते थे दोबारा मुकाबला करते आपने ये माना कि कमज़ोर हुकूमत थी तो चले उस कमज़ोर हुकूमत से आपकी जान छूट छूट गई जी। आप जिस नाकामी के सातवें आसमान पर बैठे हुए थे वहाँ से आपको उतारा और आप एक मजलूम बन गए तो आप उस सूरत हाल का सियासी तौर पर मुकाबला करते कल भी मैंने बात की हम सब ने लिखा बहुत सारे लोगों ने इनको मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहें पार्लियामेंट का बायकाट ना करें उसमें बैठें एक फाल अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें आप सबाही समलियाँ ना तोड़ें और ये नहीं माने बार बार इनको मुजाकर की पेशकशें की गई इन वे किसी को खातर में नहीं लाए तो अब वो कह रहे हैं बार बार कि मैं मुझकर के लिए तैयार हूँ तो ये हालात का हेर फेर होता है और मुकर हमेशा होते हैं हर किसी की पोजिशन को माप कर तोल कर तो अब जिस पोजीशन में इमरान खान हैं तो मुमकिन है कि जो दूसरा फ्रीक है वो उनको इस काबिल नहीं समझता कि वो उनसे मुझरा करें वरना मुजाकर की ये जो मेहनत समाजत है वो नहीं करनी पड़ती तो बात यह है कि जो रिकॉर्ड पर बात है कि इमरान खान मैं यहाँ कुछ कोट नहीं करना चाहता लेकिन मैं बड़े बावसूक आपको अंदाज से यकीन ये, से कह रहा हूँ कि बड़े मतबर लोगों ने शख्सियात ने जिनसे मैंने ये बर रास्त बातें सुनी उसका नचोड़ ये है कि ये अपनी एहलिया के बहुत ज़्यादा ज़्या जेर ज़्या असर थे बहुत सारे अहम रिया और हकूमती मामलों में ये उनकी राय को फ़ोकियत देते थे बन नस्बत के वो आप अपने इतहादियों से मशावरत करें आप अपने वज़रा से मशावरत करें जो सियासत के अंदर जिन कोई तजर्बा तो है जिनके पास जिनकी कोई पोजिशन है आप उनसे मशवरा करते लेकिन ये अपनी अहलिया से मुशावरत करते थे और उनकी राय को ये हतमी राय समझ कर फैसले करते थे तो आज ये जो उनका उनकी एक जो ये जिस सियासी डिज़ास्टर का उनको सामना है इनके इस सारे मामले के पीछे उनकी अहलिया का बड़ा हाथ है उनकी सियासी मुशावरत और मुदाखलत तो दूसरी तरफ ये है कि अब फिर ये साथ मुकर की बात कर रहे हैं साथ कुछ साथ फुलझड़ियाँ भी छोड़ देते हैं और मैं एक अपना थोड़ा सा आपको कॉलम का ज़िक्र जरूर करूँगा कि मैं जब ये इनकी नई नई हुकूमत बनी थी तब लिखा था उसका अनुमान था बुजदार नहीं बुरदार अब ये गलती तो मानते हैं कि मैंने कमज़ोर हुकूमत ली ये गलती भी मानते हैं कि मैंने तोसी दी जनरल कमर दवाजों को एक्सटेंशन दी वो भी मेरी ग़लती थी ये गलती भी माने कि मैंने बुजदार को वजरे मुझे नहीं बनाना चाहिए था और भी बहुत सारी इनकी सियासी गलतियाँ हैं वो भी तस्लीम करें तो मेरा ख़्याल है ये इनका भला होगा ये टीम नहीं बना सके इन्होंने चुन चुन कर जो बुजदार थे उनको अपने दाएं बाएं इकट्ठा किया जो दो चार बुरदबार थे उनको दीवार में चुन दिया तो जब आपके पास अच्छे सियासी मशीर नहीं, नहीं होते तो फिर आप गलत फ़ैसले करते हैं और आप अपना जो सर है वो दीवार से मारते हैं ख़ुद को ज़ख्मी करते हैं तो अब मैं ये कह रहा था कि मैंने कॉलम लिखा बहुत पहले जब ये हुकूमत में आए कि आपको अगर लगता है कि आप मस्जिद नबी में या मदीना शहर में नंगे पाँव फिरने से वजर बने हैं तो ये आपकी ग़लत फहमी है वहाँ चौदह सौ साल से पंद्रह सौ साल से बड़े लोग हैं जो नंगे पाँव अक़दत में जाते हैं नंगे पाँव लेकिन वो वजरे नहीं बने दूसरा अगर आपको लगता है कि आपने एक दरबार की चौखट चूम ली है अपनी बीवी के कहने पे तो आप वीरियाम बन गए तो ये भी आपकी ख़ाम ख्याली है क्योंकि उस मज़ार पर रोज़ाना लोग वो चौकट चूमते हैं दहली चूमते हैं अकीदत के इजहार के लिए और मैंने ये भी लिखा कि अगर आपको लगता है कि ये खातून से निकाह करने की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये भी आप गलत इस बात पर तो भी गलत हैं क्योंकि अगर उस खान के अंदर कोई करामत कोई रूहानियत होती तो उनका जो पहला शोहर है फिर वह व्यजम होता तो दूसरी बात जिस किसी ने आपको ये कहा है कि मैंने इस्तारा किया है और चांदी के बर्तन में मैंने बुजदार का शेरा देखा है और आप इसको वज्रीला बना दें तो वो आपका दोस्त नहीं बदतरीन दुश्मन है और मैंने ये लिखा कि आप अपनी अब अप बीवी चूँकि आपकी शादी हो गई है इनकी इज़्ज़त करें बहुत इनको मोहब्बत दें लेकिन इनको अमूर रियासत से बहुत दूर रखें लेकिन इमरान ख़ान एक चूँकि अनाप्रस्त आदमी है खुशफहम आदमी है और जिद्दी आदमी हैं उन्होंने किसी भी मैं तो बहुत एक हकीर सा साफ़ी हूँ बड़े बड़े हमारे सीनियर्स मौजूद हैं उन्होंने उनको उन्हों जो भी मशवरे दिए हैं उन्होंने किसी का मशवा नहीं माना सर एक चीज़ पूछनी थी फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर इंस्टेंस अगर तो मुजाक़रात सामने वाले जो फरीक हैं पार्टी है तैयार हो जाती है मुकरत मुझा, करने के लिए इमरान खान के साथ तो आपको क्या लगता है आगे फर्दर कोई चेंज या कोई डेवलपमेंट या कोई चांसेस हैं कुछ इलेक्शन से पहले कोई तब... any... कि कोई तब लेकिन को कुछ तो हो कोई कुछ क्या हो जाए कुछ कुछ नहीं है कुछ बाई नहीं है लेकिन मुख्यरात की तजवीज़ या मजाक पर आमदगी कोई बुरी बात नहीं है ये एक संजीदा बात है और मैं समझता हूँ कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए क्योंकि हमने इस रियासत के लिए रास्ते बनाने हैं जी हम अगर अपनी बात करें एज ए शख्सियत तो हम सब फ़ानी हैं हम सब ने एक ना एक दिन माजी का किस्सा बन जाना है हमने हम सब ने कब्रों में जाना है जी। तो तारीख जो है वो सब कुछ पोस्टमार्टम करती है आपकी सियासत का आपकी शख्सियत का तो अगर ये संजीदा बात है इमरान ख़ान की तरफ से तो जो मकतदर हलके हैं उनको भी इस पर एक संजीदा कंसीडर करना चाहिए फीडबैक देना चाहिए रिस्पॉन्स देना चाहिए अगर मिल बैठ के हम ये सियासी बुहान से बाहर निकलाते हैं तो वाई नॉट तो ये एक अच्छी चीज़ है और इमरान ख़ान से भी मैं ये कहूँगा वो कोई ना कोई इनको पैगाम अगर मेरा पहुँचा दे या वो सुने तो वो वहाँ बैठ के मुराकबा करें ये दो गलतियाँ तो उन्होंने जो गिनवाई हैं ये दो गलतियाँ नहीं हैं बहुत बड़े गलदान भी उन्होंने किए हैं जी तो अपना मराकबा करें महासबा करें और अपने साथ ये आज़म करें अहद करें कि आइंदा जो आपने गलतियाँ की हैं मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता उनकी गलतियाँ एक लंबी फहरिस्त है तो वो गलतियों से बाहर आ जाएँ गलतियों से सीखें यही कामयाबी है जब इंसान सीखता है खाली वजश करना और टाइम स्पेंड करना कि मोबाइल मेरे पास नहीं है तो मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता है ये चीज़ नहीं है ये एक बेहतरीन मैंने भी आ, कुछ चौदह दिन जेल में गुजारे हैं मुशरफ दौर में तो ये जेल आपके लिए एक बेहतरीन एक दरसगा है आप तन्हाई में बैठ के आ, बहुत कुछ अपने अंदर जो अपने अंदर से सीखते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ हमाकतें की हैं गलतियाँ की हैं और मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ तो क्यों हूँ सेल्फ एनालिसिस किया जा सकता है मतलब ठीक है सही है यू आर राइट बहुत कुछ किया जा सकता है सर मुझे ये बताएं जब हम पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस जो ये फंड्स मांग रही है इलेक्शन ड्यूटी के लिए एक अरब उन्नीस करोड़ राइट मुझे ये बताएं कि ये किस लिए है तो बाकी चीज़ें इनको क्यों नहीं नज़र आती पाकिस्तान में ये जब से ये जो आईजी है इस वक्त डॉक्टर उस्मान अनवर ये कोई अजीब सा अजीब सा अ, इनका मिजाज है और इनकी जो हरकत हैं इनके इकदाम हैं मैं बड़ा मायूस होता हूँ देख कर कि पंजाब पुलिस के वसाइल कहाँ आप खर्च कर रहे हैं बच्चों के अगवा और देखिए आप इमेजन करें इमेजिन करें इसमें मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि हम सत्तर साल से ही सुनते आ रहे हैं कि पुलिस कल्चर तब्दील होगा थाना कल्चर तब्दील होगा बिल्कुल, बिल्कुल और ये जो मसूफा है इन्होंने थानों की रेनोवेशन पर करोड़ों रुपये सर्फ किए हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पैसा झोंक दिया पानी की तरफ भाया है आप पुलिस को मॉडल बनाने की बजाय थानों को मॉडल बना दिया है जैसे कोई पिकनिक रिजॉर्ट है कोई टू स्टार थ्री स्टार होटल है आपने वहाँ जाना है तो आपने वहाँ खाना खाना है और अपने वाँ 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 इसको पसंद है मुझे अब ये पता जो उन्होंने फंड मांगे हैं दूसरी तरफ जो आप जराइम की रेशो देख लें वो दिन ब दिन बढ़ रही है आपने जिस तरफ इशारा किया है वो और ज़्यादा हौलनाक है कि बच्चे हमारा मुस्कबिल हैं बड़े मासूम होते हैं और बच्चा उसकी क्या कदरों कीमत है ये उसके वालदेन से बेहतर को नहीं जान सकता तो जिस शहर के अंदर जिस पंजाब के अंदर बच्चों के अगवा की और उनके साथ जिनसी दरंदगी की वाक़ बढ़ रहे हैं मुसलसल तो आप का फोकस हो कि आपने थानों को रेनोवेट करना है उनको जनाब बड़ा आपने एक रिज़ॉर्ट बनाना है और एक शाहकार बनाना है तो ऐसी सोच पर मैं अफसोस कर सकता हूँ मातम कर सकता हूँ और मेरी दुआ है कि ये जल्द से जल्द इलेक्शन हो और ये साहब से जान छूटे चूँकि ये इलेक्शन तक हैं लेकिन इन इस अरसे में इन्होंने जो पुलिस का एक कल्चर का कचूमर बना दिया है ना अपनी अहमकाना इसलाहा से कि कोई रिफॉर्म्स नहीं की पुलिस के अंदर और पिछले दिनों तो में देख रहा था कि मौसूफ आईजी ऑफिस में इन्होंने मुख्तल ख्वाजा सराओं को बुलाया उनके साथ टिकटॉक बनाई उनके साथ नशस्त की गुफ्तु की और उनको एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट दी क्यों दी ये मैं कभी मुझे मिलेंगे तो ये मैं भी आपने बताया था मेरे मुझे याद आ रहा है उनको बड़ा शौक़ है सोशल मीडिया पर टिकटॉक बनाने का और उन ख्वाजा सराओं को फ़ंड्स दिए वो फंड्स देना आपकी स्वाबदीत नहीं है ये आपकी डोमेन नहीं है फिर पीछे दोनों मसूफ मैंने देखा कि ये ख्वाजा शरायों के लिए कोई मरकज़ बना रहे हैं भाई आपके पास कोई शुभाई वजारत नहीं है आप सोशल वेलफेयर के वजीर नहीं हैं आप आई जी हैं आपकी रिफार्मस आपकी तरजीहत आपका जितनी भी तोनाई हैं पुलिस के लिए होनी चाहिए आप ख्वाजा शराओं को आप पंजाब हुकूमत को या चीफ मिनिस्टर पंजाब को कोई तजवीज़ दे सकते हैं उनको कोई आइडिया दे सकते हैं कि आप जनाब ये ये रिफॉर्म्स करें लेकिन आपकी ये डोमेन नहीं है बहरहाल दूसरी तरफ आपने जो फरमाया इतने पेंडिंग केसेस हैं उनको जी। पहले आप ठीक कर लें कि आप जो थानों के अंदर इमारतों से ज़्यादा जरूरियात थी गाड़ियाँ नाकारा हैं एक बिल्कुल नाकस किस्म की कटारा किस्म की गाड़ियाँ हैं उन पर पैसा लगाते उनको नहीं करते या नहीं खरीद लेते असल नहीं है और बहुत सारे मिसाइल हैं लेकिन उन पर जो वसाइल दस्याब थे उन पर सफ करने के बजाय इन्होंने थानों पर लगा दिए पुलिस की ट्रेनिंग उनको फर्दर पॉलिश करना उनको कोई वर्कशॉप्स करना उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई जदीद जराए मुतारफ कराना उनको लेके देना ठीक है उनकी कैपेसिटी उनकी एबिलिटी

तो जो पैसे आपके पास थे वो आपने थानों पर लगा दिए और अब हमारे बच्चे गैर महफूज हैं ख़ास तौर पर बच्चे अगवा होते हैं गली मोहल्लों से चूँकि वहाँ सेफ सिटी कैमराज नहीं हैं तो आपके पास ये वसाइल अमानत हैं आपकी आपको बादशाह सलामत नहीं है कि आप एक बादशाहों की तरह जनाब पैसा लुटा रहे हैं और थानों पे खर्च कर रहे हैं ये वसाइल की एक एक पैनी आपको सोच समझ कर मुशावरत से वहाँ सर्व करनी चाहिए यहाँ की ज़्यादा ज़रूरत है तो अब ये जो बच्चे अगवा हो रहे हैं ये हालिया में ये जो एक थाना नवा कोट है बच्चा अगवा हुआ बच्ची अगवा हुई गालबन जिसको वहाँ के एसएचओ एच खान है एसपी जो ऑपरेशन है कंसर्न एस पी इकबाल टाउन मुझे उनका नाम नहीं याद रहा चीमा साहब हैं तो उन्होंने बड़ी मेहनत से उस बच्चे को गुजराव से बाजियाब किया तो ये पुलिस की एक अच्छी बात भी है जो अच्छी बात है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे लेकिन बात ये है के असल मामला वही आता है कि आप अपनी पुलिस की कैपेसिटी को सेफ सिटी की को इनक्रीज करें ताकि बच्चों के अगवा के मामला ही ना हों हाँ। और मुझे ही हो, हो ही ना जी आखिर वो मुल्क भी हैं वो जगह भी हैं जो ऐसे इकदाम उठा रही है और जीरो परसेंट इस तरह का क्राइम रेट चल रहा है वो लोग लो भी तो हैं खासतौर पर जिन बच्चों पर जिनसी तशद होता है वो जीते जी मर जाते हैं और हमारी फैमिली ऐसी अजीब फैम अपना हमारा जो माशरती निज़ाम है माशरती निज़ाम बड़ा अजीब है कि एक मजलूम बच्चा है हम उसको भी ऐसी निगाहों से देखते हैं कि वो अपने आप को मुजरम समझता है काउंसलिंग नहीं हो सकती सेशंस नहीं है अवेयरनेस नहीं है ये पुलिस अपना किबरा दुरुस्त करें खासतौर पर जो आई जी पंजाब है ये अपने इस महकमा पर रहम करें पता नहीं किस बात का इंतजाम ले रहे हैं पंजाब पुलिस से और हमारे जो बच्चे हैं माशरे के वो सब कीमती हैं उनकी इज्ज़तें कीमती हैं उनकी ज़िंदियाँ कीमती हैं और आप की जो असल आपका जो फ़र्ज मजहबी है आप उस तरफ ध्यान दें आप ये जो तो दूसरे मामलों में अपना वक्त स्पेंड करते हैं टिक टॉक बनाने में और अपना नाम फलसफा झाड़ने में तो उस पर कम तो जो दें सही राइट आई वॉज जस्ट थिंकिंग ये आते हैं अंडर केयर टेकर गवर्नमेंट राइट तो बस फिर हम या तो हम बाकी इनसे डेवलपमेंट के हवाले से इनकी तरफ से वेट कर लेते हैं या तो फिर हम वेट कर लेते हैं कि इलेक्शन हो और नई हुकूमत आके कुछ नए इकदाम कर ले क्योंकि इनसे तो वाकई नहीं होना जो कि हमें लग रहा है सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम आइदर इफ़ ही कुड यू नो जस्ट बिफोर लिविंग हिज डेजिगनेटेड प्लेस कुड ब्रिंग सम डेवलपमेंट दैट वुड बी ग्रेट अदरवाइज़ फिर क्या होगा सर हम फिर हम नई हुकूमत से वही मुतालबात रहे होंगे जो ये लोग नहीं कर सके एनी वेज uh, इन दी एंड हमारी तो यही दुआ है कि बेहतरी हो पाकिस्तान की और हम बैठ के हमेशा से यही बात करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएँ उन चीज़ों पर सबसे पहले आप लोग फोकस करें हाईलाइट करें जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेनोवेशन कौन सी टाइल्स कहाँ इस्तेमाल होनी है कौन सा प्लांट कहाँ पसंद आएगा वाइट वॉश ऑल इलिवेंट कम्प्लीटली फिटाइल बच्चों हाँ, पे इसके बहुत सी चीज़ें पुलिस ट्रेनिंग्स देख लें कुछ क्रेडिबिलिटी लेकर आए कुछ वाकई पर चले कि हाँ फंड्स वाकई सही जगह पे लगे एनी वेज थैंक यू सर फॉर कास्टिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट इशूज दैट वॉज मच नीडेड थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू गॉर फॉर वॉचिंग एस टूडे जिस लेटेस्ट नो एनीथिंग वी डिस्कस टूडे इन द कमेंट्स बिलो ऑल्सो डो नॉट फोरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब सम अर पॉडकास्ट एज यूज बुट लीविंग विल गेट बैक टू यू गाइस एंड नेक्स्ट एपिसोड ऑफकोर्स बाय बाय